नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक राज जैन, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज टोंक, आपका यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। मैं एसएम टोट के बारे में, जो कि बीएससी पार्ट फर्स्ट में अवकलन गणित के अंदर अध्याय है, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। दो व्याख्यान मैं इस पे दे चुका हूँ। आज तीसरे व्याख्यान में हम तिर्यक अनंत स्पर्शी किसी वक्र की कैसे ज्ञात करते हैं, उसके बारे में एग्जाम्पल से समझेंगे। और उसके बाद आप लोग तीनों व्याख्यानों की सहायता से किसी भी वक्र की अनंत स्पर्शी ज्ञात करने में सक्षम होंगे। आज मैंने जो वक्र लिया है वो है एक्स क्यूब माइनस 5x² y प्लस 8xy² माइनस 4y³ प्लस x² माइनस 3xy प्लस 2y² माइनस 1 बराबर 0। और इसके हमें एसिम्प्टोट्स अर्थात अनंत स्पर्शी ज्ञात करनी है। यहां हम देखते हैं कि वक्र की अधिकतम 3 घात है, तो ये तो निश्चित है कि इसमें अधिकतम 3 अनंत स्पर्शियां विद्यमान हो सकती है। अब अगर हम देखें अक्षों के समानांतर अनंत स्पर्शियां, तो अक्षों के समानांतर अनंत स्पर्शियां ज्ञात करने के लिए एक्स और वाई की उच्चतम घात के पदों को शून्य के बराबर किया जाता है। दिए गए वक्र में अगर हम एक्स और वाई की उच्चतम घात देखें तो वो कितनी है? 3, अर्थात x³ और y³। और x³ और y³ के अगर गुणांक देखें तो वो क्रमशः क्या आते हैं? 1 और -4। अब न तो एक 0 के बराबर हो सकता, न -4 0 के बराबर हो सकता, क्योंकि ये दोनों के दोनों अचर हैं, वास्तविक संख्याएं हैं जो कि 0 के बराबर नहीं हो सकती। जब ये 0 के बराबर नहीं हो सकती तो हम इसे हल करके एक घाती गुणनखंड भी ज्ञात नहीं कर सकते। और जब हम एक घाती गुणनखंड ज्ञात नहीं कर सकते तो स्पष्ट है कि अक्षों के समानांतर कोई भी अनंत स्पर्शी नहीं है, अर्थात अक्षों के समानांतर अनंत स्पर्शियां विद्यमान नहीं है। अब अक्षों के समानांतर अनंत स्पर्शियां नहीं है तो हम क्या निकालेंगे? तिर्यक अनंत स्पर्शी निकालेंगे। तो हम देखते हैं कि तिर्यक कैसी होगी। तिर्यक के लिए मैंने आपको बताया था कि दिए गए वक्र को सबसे पहले समान घातों के पदों को एक साथ लिख के उसको रीअरेंज कर लो। सबसे पहला काम यह होगा, क्या होगा कि घात देख लो भाई, जो तीन तीन घात के हैं यहाँ पे पद, उनको एक साथ कर लिया, दो दो घात के उनको एक साथ कर लिया, नहीं हो तो उसको जीरो कर देंगे, कोई ऐसी बात नहीं, कोई पद नहीं है तो जीरो कर देंगे। फिर उसके बाद x बराबर 1 और y बराबर m रखो। तो हमने यही किया इस वक्र में, पहले तो समान घातों के पदों को एक साथ लिखा, फिर x बराबर 1 और y बराबर m रखा। रखते ही 5 3 m आया, 1 माइनस 5 m प्लस 8 m² माइनस 4 m³। 5 2 m आया, 1 माइनस 3 m प्लस 2 m² एंड 5 1 m का पद नहीं है, इसको जीरो कर दिया और इनको समीकरण दे दिए 1 2 3। अब हमें m का मान ज्ञात करना होगा। m का मान ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो फाई का उच्चतम पद है उसे शून्य करना होता है और फिर m उसको सोल्व करके m के मान ज्ञात करने होते हैं। तो यहां पर फाई का उच्चतम पद 5 3 m है, तो हम फाई 3 m को शून्य के बराबर करेंगे।
फाइव थ्री एम बराबर शून्य करने का मतलब 1 - 5m प्लस 8m² माइनस 4m³ बराबर 0 आ गया। अब यहां आते ही आप लोगों के पास एक दिक्कत आएगी कि m के मान ज्ञात करने हैं, क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है, हो सकता है कि इसके गुणनखंड हो जाए, हो सकता है गुणनखंड ना हो। द्विघात को तो हम द्राचार्य विधि लगा देंगे तो उससे कर लेंगे, लेकिन त्रिघात का तो बच्चों शेषफल प्रमेय आपने पढ़ी थी। आप m के डिफरेंट मान रखें और जिसके लिए m का मान आ जाए उससे उसमें भाग लगा दे, शेषफल 0 आ जाएगा, बचा हुए के टुकड़े कर लेंगे। तो हम सबसे पहले m बराबर 1 रखते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे m बराबर 1 रखते हैं ये m की समीकरण संतुष्ट हो जाती है। इसका मतलब उपरोक्त समीकरण में m माइनस 1 बराबर 0 एक गुणनखंड है। अब हम m माइनस 1 का इसमें भाग लगाते हैं। m माइनस 1 का जैसे ही हम भाग लगाएंगे तो द्विघात पद प्राप्त होंगे m में, द्विघात समीकरण प्राप्त होगी m में, जिसको हम धराचार्य विधि से आसानी से हल कर सकेंगे। तो m का मान एक तो एक हो ही गया और जो आपका द्विघात समीकरण आया है उसको हल करेंगे तो m के मान 1/2 आते हैं, जो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिखे हैं। तरीका मैंने आपको बता दिया, आप खुद m को के लिए इसको हल करें। m बराबर 1 रखें, संतुष्ट हो रही है, m माइनस 1 गुणनखंड हुआ, m माइनस 1 का भाग लगाएं, m माइनस 1 का भाग लगाते द्विघात पद के रूप में m की समीकरण प्राप्त होगी, उसे धराचार्य विधि से हल करें और धराचार्य विधि से हल करने पे m के मान प्राप्त हों उनको हमको यहाँ लिखना है। यहाँ m के मान 1/2 प्राप्त होते हैं। अब m का मान देखो, एक तो एक आया है और एक 1/2 आया है, तो एक का मतलब एक तो अलग है और दो मान समान है, तो दोनों सूत्र यहाँ पे लगेंगे। तो सबसे पहले c का मान ज्ञात करने के लिए जब m बराबर 1 हो, क्योंकि m बराबर 1 असंयुक्त है इसलिए सूत्र भी ये लगेगा c बराबर -(5·2m/5′3m). 5·2m लिख दिया, 5·3m का अवकलन करके उसको लिख दिया और फिर m बराबर 1 पुट किया, उससे c बराबर 0 आ गया। रेखा की समीकरण हम जानते हैं y बराबर mx प्लस c होता है, तो y m का मान 1 है तो y बराबर x प्लस 0 या y बराबर x। तो जब m बराबर 1 होता है तो अनंत स्पर्शी उस वक्र की y बराबर x है। अब m बराबर 1/2 में हम देखें, 1/2 है तो इस ऊपर वाले सूत्र से तो होगा नहीं। ऊपर वाला सूत्र कब लगता है? जब m के मान अलग अलग हों। यहां तो m के मान समान आ गए, 1/2 आ गए। तो अब हम ऐसे केस में जब m के दो मान समान हो तो सूत्र काम में लेते हैं c²/(5″3m + c²²m + 5·1m = 0। 5·1m तो है ही नहीं, 5·2m है उसका एक बार अवकलन कर दिया और 5·3m के दो बार अवकलन कर दिए और m का मान 1/2 लिखा। m का मान 1/2 लिख के उपरोक्त समीकरण को हल करें तो 2c²-c = 0 आता है। यहां पे c कॉमन ले लीजिए तो c कॉमन लेते 2c-1 = 0, c बराबर 0 आ जाएगा, जिससे c के मान क्या हो गए, 0 और 1/2। m का मान तो 1/2 ही है लेकिन c का मान क्या आया उसके लिए, m के मान 1/2 के लिए c का मान 0 और 1/2। अब वही y बराबर mx प्लस c में हम इन मानों को रखते हैं तो हमारे पास एक समीकरण तो आती है 2y बराबर x और दूसरी समीकरण आती है 2y = x + 1। तो अब कुल कितनी अनंत स्पर्शियां हो गई, y बराबर x, 2y = x और 2y = x + 1। ये टोटल 3 अनंत स्पर्शियां हो गई, हमें 3 ही ज्ञात करनी थी तो हमारा प्रश्न यही हल हो गया। इसी प्रकार से आप हर प्रश्न को हल कर सकते हैं।
आप टेस्ट बुक्स में से कोई सा प्रश्न लें, उसको हल करने की कोशिश करें और वो आसानी से इस प्रश्न को देखते हुए आप हल कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। आगे के लेसन में हम कुछ एसएमटोट्स की शॉर्ट वीडियो के बारे में बात करेंगे।